तो हेलो गाइस, यार तुम लोग कैसे हो। उम्मीद तो करता हूँ कि एकदम बढ़िया और एकदम मस्त होंगे। तो गाइस एकदम मस्त ही रहना। और भाई लोग, यार आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो इवेंट के बारे में बात करेंगे ना, पहले इवेंट होता है कि आप लोग का रमजान की विश इवेंट, दूसरे में आता है कि आप लोग का इमिटेटिव 7 का शॉप, यार जिसको लेकर बहुत सारे बंदे का मेरे पास कॉमेंट है। एंड गाइस बात करेंगे यार रमजान की कुछ डिस्काउंट वाला इवेंट कार्ड में, और बात करेंगे आप लोग का समुराई वॉरियर जो बंडल वगैरह है उसके रिटर्न कार्ड में। एंड गाइस बात करेंगे स्कॉर्पियो बंडल और कोबरा बंडल रिटर्न कार्ड में। काफ़ी सारा भाई का ये कमेंट मेरे पास आया है, तो देखो उसके रिगार्डिंग मेरे पास जितना अपडेट मिला है भाई, एकदम कंफर्म अपडेट कोबरा और स्कॉर्पियो दोनों कार्ड में दे दूंगा। आज की वीडियो से आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा कि भाई आने वाला है कौन सा न्यू बंडल और कौन सा न्यू अभी आने वाला है और कौन सा नहीं आएगा, सब कुछ बता दूंगा भाई। तो पहले मैं बात करें कि आप लोगों का इमोट पट इवेंट कार्ड में, काफ़ी भाई का मेरे पास एक कमेंट था कि विक्रम भाई इस बार जो वैलेंटाइंस डे चला गया उसमें हम लोगों को तो इमोट पट इवेंट देखने के लिए नहीं मिला है। तो यार इमोट पट इवेंट का जो रोज इमोट वगैरह था वो रोज इमोट वगैरह कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा था, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ स्टेप से आप लोग का इमोट पट एक इवेंट निकल के आया है। लेकिन ये एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो इमोट पट इवेंट आप लोग यहाँ पे अभी देख सकते हो ये आप लोग को इस मंथ को देखने के लिए नहीं मिलेगा, हालांकि आप लोग को अप्रैल मंथ को देखने के लिए मिलेगा। इतना तक मेरे पास अपडेट है कि अप्रैल मंथ की फर्स्ट वीक के अंदर से आप लोग को ये जो इमोट पट इवेंट है देखने के लिए मिलेगा। और भाई इस टाइम मैं आप लोग को कन्फर्मेशन करके कुछ दिन पहले ही बता दूंगा कि यार कौन कौन सा इमोट इसके अंदर आएगा। अभी के टाइम पर यहाँ पे जो इमोट वगैरह देख सकते हो ये सारे के सारे इमोट नहीं रहेगा, इनमें से दो एक इमोट रह सकता है, बाकी कन्फर्म तब करा दूंगा जब आएगा। तो इसके बाद में यार यहाँ पे कुछ मंडल वगैरह देख सकते हो जिस कार्ड में यार बहुत दिन से बहुत भाई लोग का वेट करके बैठे, यार समुराई वॉरियर करके जो मंडल वगैरह इनक्यूबेटर के थे ना, वो सारे के सारे मंडल यार भारतीय स्तर पर ऑलरेडी रिटर्न आना स्टार्ट हो चुका है। भाई इसके पहले मैं आप लोग को एक टोकन टावर दिखाया था दो तीन दिन से पहले, आप लोग को पता है भाई, यार जरूर पता है, आप लोग अगर मेरा डेली व्यूजर हो तो जरूर पता होगा। तो गाइस आप लोग यहाँ पर अभी देख सकते हो इस टाइप का, मतलब क्या बताऊँ यार, व्हील करके इवेंट जो है ना टोकन व्हील वाला, उस पर भी गिरना रिटर्न डाल रहा है। तो यार देखो भारतीय स्तर पर रिटर्न आना स्टार्ट हो चुका है। तो अगर बात करें कि इंडियन सर्वर की, तो देखो इंडियन सर्वर आप लोग को इस ओबी अपडेट को देखने के लिए नहीं मिलेगा भाई, नेक्स्ट ओबी अपडेट जब आप लोग गेम को करोगे तो उसके बाद आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो अभी के टाइम पे नहीं। इसके बाद में यार रमजान की एक इवेंट देखो जिसमें यार रमजान की डिस्काउंट 50% ऑफ करके लिखा है बैनर के अंदर, और इवेंट के अंदर जाके देखोगे तो यहाँ पे इमोट पे देखने के लिए मिलेगा, बैकपैक के देखने के लिए मिलेगा, लूट बॉक्स, गाड़ी की स्किन, अवतार, बैनर, सॉन्ग वगैरह जितना भी है, मतलब यहाँ पे गिफ्ट स्टोर के अंदर जितने भी आइटम है ना, फैशन वगैरह सबके अंदर आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आप लोग कोई भी टेंशन मत लेना, आप लोग का ये तो यार दिवाली के अंदर आने का था, फिर यार यहाँ पे आप लोग का वैलेंटाइंस डे पे आने का था गिफ्ट स्टोर के अंदर ऑफर वगैरह, तो ये सब तो कुछ उस टाइम नहीं आया था। लेकिन आप लोग कोई भी टेंशन मत लेना, बैनर की यहाँ पे निकल के आ चुका है, इसका मतलब यार जरूर आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। रमजान इवेंट तो अभी तक इंडियन सर्वर के अंदर शुरू भी नहीं हुआ है, तो मैं आप लोग को एक चीज बता देता हूँ, ये जो इवेंट आप लोग देखा है गिफ्ट स्टोर के अंदर ऑफर आएगा, ठीक है। और ये जो गिफ्ट स्टोर वाला ऑफर है ना बहुत ही जल्दी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा इंडियन सर्वर के अंदर, रमजान इवेंट स्टार्ट होते ही आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा भाई। इसके बाद में यार नेक्स्ट इवेंट की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ओपी टैप का रमजान की प्रोफाइल वाला एनिमेशन रिटर्न में आया है। तो काफी सारा भाई का यार एक बार कहना था कि यार आप लोग का जो ओल्ड वाला एनिमेशन है कौन सा रिटर्न में देखने के लिए मिलेगा, तो देखो यहाँ पे निकल के एक चीज आ रहा है कि आप लोग जो यहाँ पे देख सकते हो ये वाला प्रोफाइल एनिमेशन, ये प्रोफाइल एनिमेशन आप लोग को अगर देखने के लिए मिलता है तो भाई 7 से लेकर 8 दिन के अंदर अंदर आप लोग को रिटर्न में आ जाएगा। अगर 7 से लेकर 8 दिन के अंदर रिटर्न में नहीं आता है तो भाई ये तो नहीं आएगा, एकदम कंफर्म बोल दूंगा भाई उस टाइम। अभी तो आप लोग कितना ही डेट को पकड़ कर चल सकते हो कि अभी से लेके 7 से 8 दिन तक आप लोग को देखने के लिए अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। अगर रिटर्न में नहीं आता है ना तो आप लोग यही सोच के रखना कि अभी के टाइम पे नहीं आने वाला है, मतलब इस मंथ को ही नहीं आएगा, नेक्स्ट मंथ को आने का चांस वगैरह रहता है, तो मैं आप लोग को नेक्स्ट बार ही कन्फर्म करूंगा। अभी के टाइम पे तो मेरे पास जो अपडेट था उसके बारे में मैं आप लोग को बता रहा हूँ। इसके बाद में यार बात करें कि नेक्स्ट इवेंट की, यार नेक्स्ट इवेंट होता है कि आप लोग का यार रमजान की जो आप लोगों ने काफी सारा कमेंट किया था कि इमेट 27 कर में उस कर में, तो देखो यहाँ पे पहले आता है रमजान की इमेट 27, उसके बाद भी यहाँ पे दो और इमेट 27 की गन की स्किन आता है, एंड उसके बाद भी यहाँ पे आता है आप लोग का हैंड ऑफ होप वाली गन की स्किन, यहाँ पे 4 गन की स्किन आप लोग को देखने के लिए मिलता है, उससे 2 यहाँ पे आप लोग को ग्रीन वाली देखने के लिए मिलता है, एक येलो वाली और एक रेड वाली। तो अभी आप लोग का कहना है कि यार विक्रम भाई ये जो इवेंट है ये कब तक इंडियन सर्वर के अंदर देखने के लिए मिलेगा और इवेंट कैसा रहेगा, तो इवेंट रहेगा आप लोग का लक रॉयल, ठीक है। अभी जो आप लोग को उजी वाला गन स्किन देखने के लिए मिल रहा है ना, ये उजी वाला गन स्किन खत्म होने के बाद आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा ये वाला इमेट 27 का लक रॉयल। और काफी सारा भाई का कहना है कि यार कब आएगा, तो देखो कब आएगा तो आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हो भाई, उजी वाला गन स्किन कितना दिन तक चलेगा आप लोग जाके देखो कैलेंडर में गिनती कर लो ना, उसके बाद ही आएगा भाई।
इसके बाद में यहाँ पे गिफ्ट ऑफ रमजान की अगर बात करें तो काफी सारा भाई का ये कमेंट कहना है कि यार विक्रम भाई इस बार क्या हमारा रमजान की विश इवेंट देखने के लिए मिलेगा। काफी सारा भाई का मेरे पास ये कमेंट आया है। तो भाई इंडियन सर्वर के तरह तो रमजान की जो विश इवेंट है ना 98% कन्फर्म हो चुका है भाई की आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है अभी देखो 2% कन्फर्म होना क्यों बाकी है, एक तो गिलना की तरफ से दूसरा है बैनर निकलने में, ये दोनों की तरफ से एक एक पर्सन यार रह चुका है। लेकिन यार कन्फर्म तो इतना हो चुका है, बहुत सारे यूट्यूबर ने भी आप लोग को बता दिया है और डाटा मैनेट के भाई लोगों ने भी बता दिया है और इसका प्री एक्सेस मैं कर रहा हूँ भाई। 2-3 दिन में आप लोग को मैं इसका रिव्यू करके दिखाऊंगा कि आप लोग का उस इवेंट के अंदर से क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। लेकिन गाइस उसके पहले और एक चीज़ है, आप लोग का रमजान की 5 इवेंट भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है इतना कन्फर्मेशन होकर आया है कि रमजान की 5 इवेंट भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, साथ में साथ आप लोग को उस इवेंट भी देखने के लिए मिलेगा। रमजान की इवेंट देखो बीडी सर्वर पर बहुत सारा देखने के लिए मिलेगा, इंडियन सर्वर पर बहुत कम। ठीक है बीडी सर्वर पर तो यार क्या बताऊँ, जो प्रोफाइल वाला एनिमेशन दिखा दिया वो प्रोफाइल वाला एनिमेशन से रिटर्न आएगा। रमजान से लेके मैं आप लोग को सेकेंड चैनल के अंदर आज एक या फिर कल एक वीडियो दूंगा, उसमें आप लोग देखना रमजान की सिर्फ रहेगा इवेंट। तो सेकेंड चैनल के अंदर जो भी इवेंट दिखाऊंगा ना उनमें से 2-1 छोड़ के बाकी जितने भी इवेंट है सब कुछ इवेंट आप लोग को रमजान की बीडी सर्वर के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे भी आप लोग जो 5 इवेंट देख सकते हो उस इवेंट दिखा दिया, ये 5 इवेंट और उस इवेंट में 5 इवेंट तो एकदम कन्फर्म नहीं कहूंगा यार इंडियन सर्वर के लिए, लेकिन उस इवेंट तो यार 99% तक कन्फर्म हो चुके आ चुका है। तो देखो भाई आप लोग कोई भी टेंशन मत लेना, प्री एक्सेस कर रहा हूँ भाई, इसका अपडेट वगैरह और लिंक्स मिलते ही मैं आप लोगों को तुरंत के तुरंत बता दूंगा, कोई भी टेंशन लेने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। इसके बाद में यार बात करके आप लोगों का कमेंट का रिप्लाई कर में काफ़ी सारा भाई ने बहुत ही अच्छा अच्छा करके कमेंट किया हो, तो यार एक एक करके जितने भी कमेंट है आज की वीडियो के अंदर कुछ दिखाऊंगा और कुछ कमेंट मैं कल की वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। ठीक है तो आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आज की वीडियो के अंदर जो भी कमेंट को पिक नहीं कर पाऊंगा वो कमेंट आप लोग को नेक्स्ट दिन मतलब कल जो वीडियो आएगा उस पर आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है भाई तो चलिए यार पहले कमेंट को देखते हैं। यहाँ पे भाई कमेंट किया कि व्हिच सर्वर प्लीज गिव सर्वर नेम करके लिखा है, उसके बाद में यार स्कॉर्पियो बंडल नहीं आएगा क्या, तो आएगा भाई यार। उसके बाद में क्या लिखा है यार बीकेसी हिप हॉप कब रिटर्न आएगा, तो देखो हिप हॉप बंडल तो अभी रिटर्न नहीं आने वाला है भाई, टाइम लगेगा इसके लिए। इसके बाद में आपने मेरा कमेंट पिक नहीं दिखाया, यहाँ पे प्लीज सो माय नेक्स्ट वीडियो वेटिंग कर रहा है भाई ने, तो देखो यार कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं तो कल देखने के लिए जरूर मिलेगा। इसके बाद में तुम FF वालों से कहो हम लोग यार डाटा माइनर्स वालों को देखते, तो देखो FF वालों को ही हम लोग यार बहुत कोशिश कर रहे हैं, उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे भाई। इसके बाद में यहाँ पे और एक भाई का कमेंट है कि यार बनी मंडल रिटर्न कब आएगा, उसके बाद में यार तभी होने वाला है करके लिखा है, इंट्रो अच्छा था करके दिया है भाई ने। इसके बाद में लव यू ब्रो करके एक भाई का कमेंट है, उसके बाद में हेलो भैया जी गोल्डन हिप हॉप कब आएगा, एंड गाइस उसके बाद में भाई लोअर इमोट के लिए कितना डायमंड लगेगा, तो भाई देखो ये तो मैं क्या यार कोई भी यूट्यूबर बता नहीं सकता है भाई, लोअर इमोट तो अब लोग का यार बोल चुका ना कि इमोट कैप्सूल में आएगा, तो उसमें कितना डायमंड जाता है मैं भी यार कभी भी स्पिन नहीं किया तो मेरे को पता नहीं है। इसके बाद में बंडित बंडल कब आएगा, व्हेन द लोअर इमोट रिटर्न डेट प्लेस करके लिखा है, उसके बाद में कोबरा बंडल रिटर्न डेट तुझे किसने बोला डर महीने बोला डेढ़ महीने बाद आएगा, यहाँ पे एक भाई ने लिखा है, तो यार सच में आएगा भाई। तुम्हारे को अगर कोई दिक्कत है तो तुम नहीं देख सकते हो वीडियो, तुम्हारे को अगर नहीं सोचना है तो तुम नहीं सोच सकते हो। इसके बाद यार एक भाई ने कमेंट किया है कि यार भाई कूड़ा बंडल कब आएगा, उसके बाद में लव यू ब्रो करके लिखा है एक भाई ने, एंड उसके बाद में भाई अगर कोबरा बंडल नहीं आया तो भाई मेरा साथ सबका दिल टूट जाएगा ब्लॉग करके लिखा है, तो यार सारे के सारे बंदे का यार दिल टूटेगा मेरे को पता है भाई। इसके बाद में प्लीज़ भाई ब्लैक टी शर्ट कब आएगा करके लिखा है, उसके बाद में यार यहाँ पे भाई ने लिखा है कि पहले कोबरा बंडल आना चाहिए लव फ्रॉम झारखंड करके लिखा है, उसके बाद में यार गुड मॉर्निंग करके एक भाई ने कमेंट किया है, एंड उसके बाद में यहाँ पे कोबरा करके एक भाई ने कमेंट किया है, उसके बाद यार रोने वाला एक स्टिकर लगा है, तो यार मेरे को पता चलता है कि भाई आप लोग कोबरा के लिए बहुत रोते हो क्योंकि कोबरा बंडल सभी का फेवरेट है। ठीक है तो सभी को यार कोबरा बंडल रिटर्न चाहिए, तो इसके लिए बहुत सारे भाई ने वेट करके बैठे भाई। इसके बाद में कोबरा रिटर्न चाहिए, हाँ यार कोई नहीं आ रहा है कोबरा करके लिखा है भाई ने, इसके बाद में रेड एंजेलिक पेंट कब आएगा यहाँ पे लिखा है भाई ने, तो ये देखो यार रेड एंजेलिक के बारे में बताऊँ तो एंजेलिक एक साथ आप लोगों को रिटर्न में आएगा और इस मंथ को नहीं यार नेक्स्ट वो भी अपडेट के बाद आएगा, अभी तो इसके लिए एंजेलिक के लिए तो अभी बहुत टाइम तक वेट करना पड़ेगा। फिर जो भी है अभी इसके बाद में हम लोग बात करें स्कॉर्पियो बंडल और आप लोग का डिमांड वाली कोबरा बंडल कर में, यार काफी सारा भाई का मेरे पास ये कहना है कि अरे विक्रम भाई हमारा स्कॉर्पियो बंडल कब आएगा और कोबरा बंडल कब आएगा, बहुत सारा भाई का ये भी कहना है कि यार कोबरा बंडल क्या पहले आएगा या फिर स्कॉर्पियो बंडल पहले आएगा। यहाँ पे अगर बात करें कि दोनों में से कौन सा पहले आएगा,
तो भाई मैं आप लोगों को बहुत दिन पहले एक बार बता दिया था, आप लोगों को पता है ना, और मैं आप लोगों को पोस्ट भी कर दिया हूँ एक कि कोबरा बंडल नहीं आएगा, कोबरा बंडल कैंसिल हो चुका है। तो देखो भाई कोबरा बंडल सच्ची में कैंसिल हो गया है, और जो आप लोगों का स्कॉर्पियो बंडल है वो स्कॉर्पियो बंडल ही आप लोगों को इस मंथ को देखने के लिए मिलेगा 22 से लेकर 24 मार्च के अंदर, या फिर उसका पहले भी आ सकता है, ठीक है, दो एक दिन आगे पीछे डेट हो सकता है, कोई भी दिक्कत रहने की बात नहीं है, क्योंकि ये डेट गरिना की तरफ से कन्फर्म नहीं है, ये डेट जो है डाटा मैनल की तरफ से कन्फर्म है। तो डाटा मैनल की तरफ से कन्फर्म है मतलब दो एक दिन आगे पीछे हो सकते हैं इसमें। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें कि कोबरा बंडल रिटर्न करने में, तो देखो काफी सारा भाई का शायद यहाँ पे कहना होगा कि हमारा इस मंथ को जो आप लोगों का कोबरा बंडल आने वाला था वो कोबरा बंडल क्यों नहीं आया। तो देखो मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया था भाई, एकदम पहले ही बता दिया था यार, डाटा मैनेजर की तरफ से अपडेट यह था उस टाइम यार, अब लोग का जो कोबरा बंडल है वो 15 तारीख में आएगा, और अब लोग का जो स्कॉर्पियो बंडल है स्कॉर्पियो बंडल आएगा 22 से लेकर 24 मार्च के अंदर। तो उस टाइम मैं पहले ही आप लोग को बता दिया था कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि एक महीने के अंदर दो बंडल इवो बंडल रिटर्न में आ जाए, मैं आप लोग को पहले ही कन्फर्म कर दिया था ना। तो इसके लिए देखो मैं यहाँ पे आप लोग को बोला था कि यार कहीं पर गिरना ऐसा ना कर दे कि यार स्कॉर्पियो बंडल को रिटर्न में डाल के और कोबरा बंडल को फिर से ना पेंडिंग कर दे। तो भाई ऐसा ही हो चुका है भाई, यार क्या करूँ, देखो मैं तो यार गेम नहीं चलाता हूँ, गेम का अपडेट वगैरह सब तो गिरने लाता है भाई, अपडेट गुड लीक्स एंड वीडियो होता है वो सिर्फ हम लोगों को बनाना पड़ता है, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ भाई, देखो आप लोगों में से जो भी भाई लोगों ने कोबरा बंडल निकालोगे, कोबरा बंडल के लिए भाई आप लोगों को एकदम मे मंथ तक वेट करना पड़ेगा, एकदम लंबा इंतजार भाई, एकदम मे मंथ, ठीक है, अभी के टाइम पे इसका कोई अपडेट नहीं मिलेगा। और यार नेक्स्ट ओबीवी अपडेट पे भी आएगा क्या, एकदम कन्फर्म कुछ भी नहीं है, अगर आता भी है तो एकदम लास्ट में आएगा। इस मंथ को तो आप लोग छोड़ ही दो और नेक्स्ट मंथ को भी एकदम पूरे के पूरे छोड़ दो, क्योंकि स्कॉर्पियो वाला जो बंडल है इसको निकालने में सारे के सारे भाई का यार 4,500-5,000 तक भी डायमंड लग सकता है, और कुछ ज्यादा भी लग सकता है, क्योंकि एक चीज आप लोग समझो, ये जो स्कॉर्पियो बंडल है इसमें 4 कलर है, बहुत सारे इमोट वगैरह आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, तो सब कुछ अलग अलग करके है। जो कालर वगैरह है ना इसको ही निकलने में बहुत सारा भाई का बहुत सारा डायमंड जाता है। तो आप लोगों को ये तो बात पता ही है ना, जब FM गैलेक्सी का बंडल आया था उस टाइम कितना डायमंड जा रहा था, तो सेम टू सेम इसमें भी इतना डायमंड जाएगा। इसके लिए कोबरा बंडल का तो भाई अभी कुछ भी यार अपडेट नहीं मिलेगा, कोई भी यूट्यूबर आप लोग को अगर बताता है तो ये देखो एकदम झूठ बोलेगा वो, ठीक है। अभी के टाइम पे तो यही अपडेट है कि कोबरा बंडल आप लोग को इस मंथ को नेक्स्ट मंथ को भी नहीं आएगा, एकदम लंबा इंतजार भाई मे मंथ तक, ठीक है। अभी इस कर में कोई अपडेट नहीं मिलेगा, कोई भी अपडेट कोबरा बंडल की नहीं दे सकता हूं मैं, और आप लोग भी यार कोबरा बंडल की इंतजार एकदम छोड़ ही सकते हो भाई, क्या बताओ यार, मेरे को भी बताने में बहुत ही मुश्किल हो रहा है, मैं भी बताने में यार बहुत ही, मेरे को यार क्या बताओ यार, आप सबका दिल तो यार टूट गया है यहाँ पे, मेरे को पता है। लेकिन भाई मैं आप लोग को पहले ही बता के रखा था कि यार कुछ कैंसिल भी यहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि दोनों इवो बंडल एक महीने में नहीं आएगा भाई। लेकिन जो भी है भाई आप लोगों को तो दिमाग में आ चुका है कि मैंने तो पहले से बता के रखा था ये बात, तो शायद आप लोगों को दिमाग में भी आ चुका है। तो आज की वीडियो को यहाँ पे खत्म करना पड़ता है, क्योंकि अभी वीडियो भी लंबा हो चुका है, काफी टाइम लंबा हो चुका है मेरा वीडियो, तो यहाँ पे वीडियो को खत्म करते हूँ। और एक बात है यहाँ भाई, आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोनों जरूर से कर लेना, वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं।